फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आपने जो है वॉल्यूम फिफ्थ की वीडियो को देखा होगा। अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है पोस्ट ऑफिस गाइड वॉल्यूम पार्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट है ये जो है टोटल इसमें 7 सेक्शन हैं, यानी कि 7 भाग हैं। अब आपका जो सिलेबस है वो यहाँ से लेकर के ये पोर्शन आपका ये सेक्शन फर्स्ट में आता है, ये सेक्शन आपका थर्ड में आता है और प्रोहिबिटेड आर्टिकल आपका सेक्शन फोर में आता है। जो सीधे सीधे अभी एग्ज़ाम हुए हैं, एक एग्ज़ाम जो आपका कैंसिल हुआ था GDS 2 PA में, उसमें सीधे पीओ गाइड से पूछा गया था कि प्रोहिबिटेड आर्टिकल किस सेक्शन में है। इसलिए आपको इनका और इनका सेक्शन याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। अब रही बात इस वीडियो की, तो जो मैंने सोचा है कि पीओ गाइड के वीडियो को टोटल मैं 4 पार्ट में बनाऊंगा और एक वीडियो चूंकि 5 पार्ट में बनाऊंगा, सॉरी, यहाँ फर्स्ट पार्ट में जो आपका होगा वो रूल 15 तक होगा, शुरुआत का 15 तक, यानी कि आपका ये मेरे फर्स्ट वीडियो में मिलेगा, आपको ये फर्स्ट वीडियो में मिलेगा, बिजनेस आवर्स आपको फर्स्ट वीडियो में मिलेगा और स्टैम्प एंड स्टेशनरी ये फर्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। इतना जो है ABCD, यानी ABC और D ये फर्स्ट वीडियो में मिलेगा। सेकंड में आपको मिलेगा EF और G। थर्ड वीडियो में आपको मिलेगा ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। फोर्थ वीडियो में आपको मिलेगा प्रोहिबिटेड आर्टिकल। और जो फिफ्थ वीडियो है यहाँ मैं बनाऊँगा फ्रैंकिंग मशीन को लेकर के, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, रूल 11 है, बड़ा टॉपिक है, तो वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए इसको मैं अलग से कवर करूँगा। चलिए बिना कोई समय बर्बाद करते हुए चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आपका पहला है वो क्या था, पहला सिलेबस में वो ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी जो विभाग का संगठन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, विभाग के संगठन के बारे में। तो जो पहली लाइन आपकी पीओ गाइड में आपको मिलेगी वो है कंट्रोल, ठीक है, यानी कि विभाग पर नियंत्रण किसका है, किसके नियंत्रण में विभाग काम कर रहा है। तो सीधा सा आप जान लीजिए, पहली चीज आप जान लीजिए कि हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि जो विभाग का जो है प्रशासनिक नियंत्रण है वो किसे करना है, वो आपको करना है, वो आपके हैं विभाग के जो प्रशासनिक नियंत्रण जिन्हें जिसके अंडर में है वो है सेक्रेटरी पोस्ट। सेक्रेटरी पोस्ट यानी कि सचिव डाक के पास। तो विभाग का जो प्रशासनिक कंट्रोल है वो सचिव डाक के पास, और सचिव डाक के ही अंडर में, अब इनके ही अंडर में DG पोस्ट आते हैं। सेक्रेटरी पोस्ट के अंडर में DG पोस्ट है जिन्हें डाक महानिदेशक भी कहा जाता है। डाक यानी कि आपका अगर सीधा प्रश्न आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है, तो विभाग का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल सेक्रेटरी पोस्ट के पास है जिनके अंडर में DG पोस्ट आते हैं और जो एक पोस्टल सर्विसेज बोर्ड का गठन करते हैं। अब आ जाइए कि एपेक्स बॉडी, फिर इसके बाद क्या होता है विभाग में, पोस्टल सर्विसेज बोर्ड यानी कि डाक सेवा बोर्ड होता है आपका। डाक सेवा बोर्ड क्या है? ये एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है, यानी इस जो विभाग का जो मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है, उसकी एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी है। अब ये बनती कैसे है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं एक चेयरपर्सन होते हैं। चेयरपर्सन कौन होता है? सेक्रेटरी पोस्ट। DGP होते हैं, DG पोस्ट। फिर एक नई पोस्ट आप आपने देखा होगा,
एडिशनल डीजी कोऑर्डिनेशन, ये नई पोस्ट एक क्रिएट हुई है, ये भी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा जो होते हैं 6 मेंबर होते हैं, 6 सदस्य, जिनको आप याद रखने का तरीका आपका याद रखिए, P3 हॉट, यानी कि पी से एक एक पी से आपका हो गया प्लानिंग, एक पी से हो गया आपका पर्सनल, एक से हो गया आपका PLI। प्लानिंग को हिंदी में कहेंगे योजना, पर्सनल को कहेंगे व्यक्तिक, PLI को आप जानते ही हैं। एक होता है HRD, इन्हीं के साथ में प्रेजेंट में जुड़ा हुआ है बैंकिंग भी। ओ से आपका हो गया ऑपरेशन, यानी कि प्रचालन, और टी से हो गया टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीकी। इसके अलावा इसमें एक और होते हैं सदस्य, जिनको कहा जाता है ASFA, ठीक है, ASFA। ये क्या है, एक परमानेंट इनवाइटी है इस बॉडी में, क्या है, मेंबर तो नहीं है इसके, एक परमानेंट इसके इनवाइटी हैं। अगर इसको पूरा कहा जाए तो इसका पूरा नाम हो गया एडिशनल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ DOP। ये होते हैं डिपार्टमेंट पोस्ट के, लेकिन ये प्रतिनिधित्व करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का विभाग में प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका जो काम है ASFA का, परमानेंट इनवाइटी का, इनका काम जो होता है ये क्या करते हैं, ये जो डाक सेवा बोर्ड है आपका, जिसमें चेयरपर्सन, DGP, एडिशनल DGP, 6 मेंबर होते हैं, इनको सलाह देना होता है, ये सलाह देते हैं वित्तीय एवं आर्थिक मामलों में। चलिए, अब इसके अलावा जैसा कि आपने देखा कि ये है विभाग का संगठन, ये अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी PSB, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि और क्या है, तो यहाँ पर आपको आता है विभाग, यहाँ पर आपका आता है, ठीक है। इसके अलावा विभाग के पास क्या है, इसके अलावा विभाग में है 23 सर्किल हैं, ठीक है। 23 सर्किल मतलब 23 परिमंडल, और एक बेस सर्किल है, क्या है, एक बेस सर्किल जिसको APS कहा जाता है। तो ये हो गया हमारे विभाग का संगठन, की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो सेक्रेटरी पोस्ट के पास है। इसके अलावा पोस्टल सर्विसेज बोर्ड होता है जो अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी। अब चलिए अगला आप पीओ गाइड पढ़ेंगे तो उसमें एक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि सर्किल 23 सर्किल का जो है हेडक्वार्टर कहाँ। तो यहाँ आपने देखिए कॉलम मैंने बना रखा है नेम ऑफ द सर्किल, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन कि नहीं है, कहाँ तक फैला हुआ है, इसका हेडक्वार्टर क्या है यानी मुख्यालय। तो सर्किल के मुख्यालय पे कौन बैठता है, CPMG, जैसे मैं मालूम पास में डिस्कस कर चुका हूँ। अब आप देखिए नॉर्मली क्या है कि जो भी सर्किल है तो वो उसका जो हेडक्वार्टर है वो उस प्रदेश की राजधानी में है, जैसे आंध्रा का विजयवाड़ा, आसाम का देखिए गुवाहाटी, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, दिल्ली का नई दिल्ली, गुजरात का अहमदाबाद, हरियाणा, देखिए हरियाणा की राजधानी अम्बाला नहीं है, तो यहाँ ये जो है इम्पॉर्टेंट है कि हरियाणा का क्या है, अम्बाला। अब देखिए हिमाचल की राजधानी भी शिमला है, शिमला में है JNK, श्रीनगर, झारखंड की देखिए रांची, कर्नाटक की बेंगलोर, केरला की आपकी त्रिवेंद्रम, ठीक है। फिर देखिए MP का आपका भोपाल, महाराष्ट्र का मुंबई। अब एक ये है 6 स्टेट्स को मिलाकर, 6 स्टेट को मिलाकर नॉर्थ ईस्ट सर्किल बना। तो पहला प्रश्न ये कितने सर्किल, कितने स्टेट्स को है, तो 6 स्टेट्स को। इसका जो हेडक्वार्टर है शिलोंग, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 6 स्टेट्स का हेडक्वार्टर है। देखिए उड़ीसा की सिंपल भुवनेश्वर, पंजाब और चंडीगढ़ की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना की हैदराबाद, UP की लखनऊ, उत्तरांचल की देहरादून, वेस्ट बंगाल का कोलकाता। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस वीडियो में जैसे कि आपको देखना UTs कि किस, कौन सी UT जो है यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित क्षेत्र किस परिमंडल में है, कौन सी UT किस परिमंडल में है, या कौन सी UT किस सर्किल को बिलोंग करती है, किस सर्किल को बिलोंग करती है, या किस सर्किल के एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शंस में, ये क्वेश्चन सीधा आता है। अब आप देखिए
गुजरात में क्या क्या है? दमन दीव, दादरा नगर हवेली। यानी गुजरात में कितनी है? दो यूटीज हैं। तो अगर ये प्रश्न आए कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली का सर्कल क्या है, तो हेडक्वार्टर क्या है, तो आप बताएंगे अहमदाबाद। लेकिन किस सर्कल से बिलोंग करती है? तो गुजरात से। इस तरह देखिए, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आपका केरला से बिलोंग करता है, केरला परिमंडल में है। तो यानी एक यूटी आपका केरला में है। फिर आप देख लीजिए, एक यूटी बिल्कुल दिल्ली, आप जानते हैं कि जैसे यूटी है लेकिन दिल्ली सर्किल है, ठीक है। दिल्ली जो है वो स्वयं एक यूटी है और इंडिपेंडेंट सर्किल है, यूटी भी है और इंडिपेंडेंट सर्किल भी है। तो दिल्ली कोई मायने नहीं, लेकिन ज़्यादा आएगा आपका दमनदीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप। अब आप देखेंगे महाराष्ट्र, आप यहाँ पर देखेंगे गोवा, ठीक है। गोवा स्टेट जो है वो महाराष्ट्र में है, एक यहाँ हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कि चंडीगढ़ भी यूटी है, ये आती है पंजाब सर्किल के अंडर में। इसके बाद आता है आपका पौंडीचेरी, ये आता है तमिलनाडु के अंडर में। फिर आप देखिए एक आपका आइसलैंड है अंडमान निकोबार, ये आता है वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में एक और स्टेट आता है, वो है सिक्किम। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है कि सिक्किम वेस्ट बंगाल में आता। अब आप आ जाइए नॉर्थ ईस्ट में, छः स्टेट है नॉर्थ ईस्ट सर्किल में। तो कई बार जो है सीधे इसका नाम पूछ लेता है, तो उसको याद रखने का तरीका है NTM3 आप रख लीजिए। तो ऐसे आपका आसाम, ऑलरेडी मैंने बताया कि एक सर्किल है, तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल, ठीक है। यन से आपका हो जाएगा नागालैंड, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, सभी नॉर्थ ईस्ट के हैं, ठीक है। यम से क्या हो जाएगा आपका? मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। कई बार क्या होता है कि सीधा एक क्वेश्चन दिया जाता है कि इसमें से कौन सा नॉर्थ ईस्ट सर्किल का पार्ट नहीं है, तो सबसे ज़्यादा लोग जो कंफ्यूज करते हैं वो सोचते हैं कि सिक्किम जो सेवन सिस्टर होगा, या कई बार दे देता है आसाम, तो लोग तुरंत आसाम आसाम देखते हैं तो कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि जो नॉर्थ ईस्ट सर्किल है, ना तो उसमें सिक्किम शामिल है, जो भी आपका नॉर्थ ईस्ट सर्किल है उसमें ना तो सिक्किम आपका है और ना आसाम है। आसाम एक अलग स्टेट है, एक अलग आपका सर्कल है, ठीक है। और सिक्किम जो है वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं और आते भी हैं पेपर में, तो उसको ध्यान रखना है, याद करना है। चलिए आगे बिना, फिर देखिए क्या कह रहा है कि हर जो सर्कल है, ठीक है, ईस्ट सर्कल, यहाँ पे हर सर्कल में क्या होता है? पोस्टल डिवीजन होते हैं, ठीक है, आरएमएस डिवीजन होते हैं। जैसा मैंने बालूम पांच में आपको बताया कि पोस्टल डिवीजन की SPO या SSPO के अंडर में होता है, ऐसे ही ये SRM SSRM के अंडर में होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर फिर लिखी हुई है, ठीक है। फिर ये क्या है कि इनके जो पते हैं, जैसे कहा जाए कि द एड्रेस ऑफ द लोकल सीनियर, इनका जो है पते कहाँ से? डाकघरों से या RMS से इनका पता किया जा सकता है। तो ये कॉमन टॉपिक है आपका वॉल्यूम फिफ्थ में भी, यहाँ भी, कि कौन हेड करता है, तो ये करता है पार्ट। इसके बाद आप देखिए टाइप्स ऑफ ऑफिस, वहाँ भी मैंने आपको बताया कि तीन तरह के पोस्ट ऑफिस होते हैं। EDSO जब का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया, लेकिन एक EDSO अभी भी इंडिया में बचा हुआ है। तो आपको जो ध्यान रखना है वो सीधा तीन टाइप रखना है, HO SO BO, ठीक है। कितने टाइप के ऑफिस होते हैं? तीन टाइप के, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि जो ये काम कह रहा, तो ये आप जान लीजिए कि आप सब जानते हैं कि HO SO BO सभी काम करते हैं, केवल अब BO जो है BO से सर्टिफिकेट नहीं जारी होता है, ठीक है। इसके अलावा आप आगे जानते ही होंगे कि BO से जो पार्सल बुक होते हैं वो 10 KG तक ही बुक होते हैं, या ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, इंश्योरेंस की रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो सब आप जानते हैं, कोई खास मायने नहीं रखता है, ठीक है। बाकी सारे काम HO SO BO में लगभग बराबर होते हैं, सेविंग बैंक के और सभी काम। BO आपका सर्टिफिकेट नहीं जारी करता है, बचत बैंक सर्टिफिकेट अब नहीं जारी करता। कुछ BO जो अधिकृत थे पहले वो जारी कर सकते हैं, लेकिन अब लगभग सभी BOs में बंद कर दिया गया। जो अधिकृत BO वही केवल सर्टिफिकेट जारी करते हैं, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि जो बड़े शहरों में, जैसे जो हेड ऑफिसेज हैं इंपॉर्टेंट सिटीज में, वो गेस्ट हेड ऑफिसर्स के द्वारा हेड किए जाते हैं। फिर ये फर्स्ट क्लास, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया ही था कि जो ग्रुप बी गेस्टेड HOs होते हैं,
मालूम 5th वाली वीडियो में, उसको हेड करता है सीनियर पीएम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो फर्स्ट क्लास पोस्टमास्टर होता है यानी कि सीपीएम, देखिए यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सीपीएम की जो पावर होती है वो इक्विवेलेंट होती है, वो सारी पावर वो यूज करता है जो एक एसएसपी की पावर होती है। ये यहाँ से निकल गया है, देखिए एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ ए सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, सॉरी सॉरी ये भी गलत हो गया थोड़ा, जो फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं इसको, कि जो सीनियर पीएम है, गजेटेड एचओ है, उसको फर्स्ट क्लास पोस्टमास्टर भी कहते हैं, ग्रुप बी एच, ग्रुप बी कहते हैं, ग्रुप बी एचओ कह सकते हैं, वो सीनियर पीएम के द्वारा हेड किया जाता है। ग्रुप बी को ही फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस कहते हैं। इसकी जो पावर होती है ये एसपीओज की पावर ऑथराइज करता है, ठीक है। जो फर्स्ट क्लास एचओ यानी कि फर्स्ट क्लास एचओ है, इसको हेड कौन करेगा, एक ग्रुप बी अधिकारी करेगा जिसको सीनियर पीएम कहेंगे। इसकी जो पावर होगी वो, ठीक है, अब आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्लास एचओ कहाँ होता है, देखिए खुद ही लिखा हुआ है, इम्पॉर्टेंट सिटीज में, कहाँ होता है, इम्पॉर्टेंट सिटीज में। इनकी पावर जो होती है वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की यानी कि एसपीओज के बराबर होती है। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीपी एंड आर्मी जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, यहाँ पे बीपीओ मनी ऑर्डर नहीं बुक होता है, इसमें थोड़ा आप संशोधन कर लीजिएगा। अब बीपी बुक होता है, ठीक है, एमओ नहीं बुक होता है, ठीक है, यानी इनके पते पर, आर्मी पोस्ट ऑफिस के पते पर जो है बीपी अब बुक होने लगा है, लेकिन एमओ अभी भी नहीं बुक होता है, ठीक है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं, नाइट पोस्ट ऑफिस यानी कि रात्रि घर। अब देखिए कोई भी पीओ है, उसका वर्किंग आवर, वर्किंग आवर यानी कार्यकाल, ठीक है, ये जो है एचओसी फिक्स करता है। कौन फिक्स करता है, एचओसी माने हेड ऑफ सर्कल, देखिए वही चीज यहां भी लिखी हुई है, ठीक है। फिर अगर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एचओसी ने फिक्स कर दिया कि 10 से 5, ठीक है, इस वर्किंग आवर को जो एक्सटेंड करने का पावर है, यानी कि वर्किंग आवर को, कार्यकाल को बढ़ाने का पावर है, ठीक है, कि यानी 10 से 5 अगर एचओसी ने फिक्स कर दिया तो इसको एक्सटेंड करने का जो पावर होता है वो डीजीपी को होता है, किसको होता है, डीजी पोस्ट को होता है। ये क्या करते हैं, किसी भी ऑफिस का कार्यकाल, कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फिक्स कौन करता है, वर्किंग आवर फिक्स कौन करता है, फिक्स करते हैं एचओसी, लेकिन इसको बढ़ाने का पावर जो होता है डीजी को होता है, डीजीपी को। ये किसी भी डाकघर का कार्यकाल जो है 8:30 PM यानी कि 20-30 बजे तक बढ़ा सकते हैं। इसके साथ एक पावर और डीजीपी को होता है कि वो संडे को भी ओपन रखने को कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे पोस्ट ऑफिस जो एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स में काम करते हैं, ठीक है, उन्हें नाइट पोस्ट ऑफिस कहा था, दीज पोस्ट ऑफिस विल बी टर्म्ड एट नाइट पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो नाइट पोस्ट ऑफिस और काम कौन से करते हैं, नाइट पोस्ट ऑफिस जो काम इनको डीजीपी ऑथराइज करता है, ठीक है, यानी जो एक्सटेंडेड आवर्स है वो डीजी ही कर रहा है, तो डीजी इनको बताएगा कि इनको क्या काम करना है, ठीक है। ये आपको फ्रेंड्स ये क्लियर कर लेना है, ये काफ़ी एग्जाम में आता है, लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि वर्किंग आवर जो फिक्स हमेशा क्या करेगा, एचओसी करेगा, उसको एक्सटेंड करने का पावर डीजीपी को है, ठीक है। कितने बजे तक, 8:30 बजे तक एक्सटेंड कर सकता है, संडे को भी ओपन रख सकता है। काम ऐसे पोस्ट ऑफिस जिनका कार्यकाल एक्सटेंड किया जाएगा वो संडे, उनको कहा, ये भी कहा जाता है कि आप संडे को भी काम करिए और डीजी उनको बताएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अगर एक्सटेंडेड आवर है तो क्या होगा, ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड आवर, जो एक्सटेंडेड आवर है जो डीजीपी ने आपका बढ़ाया है, ये क्या करेगा, रजिस्टर्ड आर्टिकल बुक करेगा, बीपी बुक करेगा, मनी ऑर्डर्स बुक करेगा, पोस्टल स्टैम्प
लेके पोस्टेज स्टैम्प सेल करेगा। लेकिन जो एक्सटेंडेड आवर है, लेकिन इसमें जो एसबी डिपॉजिट है, अगर आप बात करें एसपी डिपॉजिट की या सर्टिफिकेट की, सेल ऑफ सर्टिफिकेट यानी कि बचत पत्र जिसे आप कहते हैं, जिसे एनएससी और केबीपी भी नामों से आप लोग भली भांति परिचित हैं, तो जो एक्सटेंडेड आवर्स में होगा ये पूरे कार्यकाल के दौरान ये तो बुक करेगा, लेकिन एसबी डिपॉजिट और ये जो है 7 बजे तक होगा। कितने बजे तक होगा? 7 बजे तक, ठीक है। और कब होगा? केवल वीक डेज में होगा, ठीक है। कब तक? देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है वीक डेज ओनली, 7 PM वीक डेज ओनली। और जो मनी ऑर्डर्स का पेमेंट है वो केवल 6 बजे तक होगा, ठीक है। बाकी ये जो आपका ये सब चीज़ें हैं, ये IPO, ये पूरा एक्सटेंडेड आवर्स में बटेंगे, जैसे जितना भी उन्होंने कह दिया 8:30 बजे तक ये काम होगा, लेकिन एसबी डिपॉजिट और ये 7 बजे तक, और मनी ऑर्डर को जो है 6 बजे तक। अब आ जाइए फिर नाइट पोस्ट ऑफिस, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये संडे को भी जो है ओपन रहता है, जैसे आपने यहाँ देखा, तो अगर कोई संडे है या नेशनल हॉलीडे है या किसी डाकघर की छुट्टी का दिन है, ठीक है, तो नाइट पोस्ट ऑफिस फंक्शन करता है। यानी नाइट पोस्ट ऑफिस क्या कर सकता है? संडे को भी फंक्शन करता है, किसी भी नेशनल हॉलीडे 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, गांधी और आपका 26 जनवरी नेशनल हॉलीडे को, या कोई भी छुट्टी जो आपकी दशहरा, होली, दिवाली, जो भी छुट्टी, उस दिन भी ये फंक्शन करता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हॉलीडेज में फंक्शन करता है वो पोस्ट ऑफिस क्या है, तो वो पोस्ट ऑफिस आपका नाइट पोस्ट ऑफिस है। लेकिन जब इस दिन ये फंक्शन करेगा तो क्या करेगा? एक रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर में फंक्शन करेगा। तो अब आपसे मैं बात कर रहा हूँ कि नाइट पोस्ट ऑफिस अगर हॉलीडेज में फंक्शन करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा? तो अगर ये हॉलीडेज में फंक्शन करेगा तो नंबर एक चीज, हॉलीडे में अगर फंक्शन करेगा, हॉलीडे कह लीजिए या संडे कह लीजिए, तो क्या करेगा? रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर होगा, यानी इसका रिस्ट्रिक्टेड वर्किंग आवर होगा और केवल एक शिफ्ट में काम करेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज नोट करिए, एक शिफ्ट में। वो शिफ्ट कितने बजे से होगी? 10 बजे से 17 बजे। अभी आपका एग्जाम हुआ था GDS 2P, उसमें सीधा ही प्रश्न आया था, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेगा कि वितरण का कोई भी काम नहीं होगा, डिलीवरी वर्क जो होगा ये बंद रहेगा, देखिए एंटायरली सस्पेंड। मनी ऑर्डर का पेमेंट यमो एस बी और SC, यानी मनी ऑर्डर सेविंग बैंक, सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी आपका बंद रहेगा, ठीक है, इन हॉलीडे और संडे के दिनों में ये आपका बंद रहेगा। फिर क्या है? नाइट पोस्ट ऑफिस आपके कहाँ वर्णित है? PO गाइड पार्ट 3 में। एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि नाइट पोस्ट ऑफिस का इंडिकेशन कहाँ है? इन, ठीक है, पार्ट थर्ड कौन सी? PO गाइड 1 के पार्ट 3 में नाइट पोस्ट ऑफिसों का जिक्र है। चलिए मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या है? ये जो कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं, जैसे आपका बॉम्बे, कलकत्ता, जैसे मुंबई हो गया, आप कोलकाता, चेन्नई, मद्रास, अहमदाबाद, कानपुर और इंडस्ट्रियल टाउन शिप में, यहाँ पर क्या है कि लेट पोस्टिंग के लिए जो है डाकघर खोले गए हैं लेट पोस्टिंग के लिए। ये तो क्वेश्चन आता है कि किस चीज़ के लिए है मोबाइल पोस्ट ऑफिस? तो बेसिकली ये है बड़े शहरों में लेट पोस्टिंग के लिए, ठीक है। ये भी ये आपका। फिर आता है क्वेश्चन, संडे और हॉलीडे को बंद रहता है, ठीक है, जो नाइट पोस्ट ऑफिस है वो बंद रहता है। ये क्या बेचता है? स्टैम्प बेचता है, पोस्टल स्टेशनरी, ठीक है। अब ये बंद हो गया है, UPCs को कहते थे, ये बंद हो चुका है, ठीक है। एयर मेल बुक सर्विस, एयर मेल रजिस्टर्ड आर्टिकल, लेटर मेल, BP भी बुक करता है, एयर पार्सल भी। लेकिन ये क्या करता है, ठीक है, ये अनरजिस्टर्ड जो मेल है स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। फिर कुछ जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस है, दो आपका चेन्नई और नागपुर,
इनको जो है परमिशन दी गई है ये मूवी बुक करने की। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको मनी ऑर्डर का यहाँ नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पर आप देखेंगे तो इनको जो है दो ऐसे हैं कि जिनको मनी ऑर्डर बुक करने की परमिशन दी गई। तो पेपर में ये आ सकता है कि जो है कौन से दो ऑफिस हैं जिनको है, तो ये आपके मुंबई, चेन्नई और नागपुर। आगे चलते हैं, अब आप आ गए हैं किस पे, बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर मतलब कार्यकाल। ठीक है, किसी भी डाकघर का बिजनेस आवर, आवर का मतलब कार्यकाल। समझ लग रहा सा। ठीक है, कार्य काल ये क्या होता है? नॉर्मल बिग डेज जैसे लिखा है सामान्य दिन, कह रहा कि हर डाकघर, हर आरएमएस, एवरी पोस्ट ऑफिस, आरएमएस, आरपीएस जुड़ी हुई। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्या है बिजनेस आवर्स की पहली चीज आती है परिभाषा, इसी में आपको लिखी हुई है। ठीक है, कि द आवर्स ड्यूरिंग विच बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड विद द पब्लिक। ठीक है, वो आवर जिसमें बिजनेस जो है ट्रांजेक्ट होता है किसमें, पब्लिक से। ये और एक चीज और है जो लोग भूल जाते हैं, दूसरी चीज ये है। ठीक है, जिस अवधि में, वो आवर जिसमें मेल, द आवर मेल आर डिलीवर्ड एंड डिस्पैच, जिसमें मेल की वितरण होता है और डिस्पैच होता है, ये दो चीज़ें मिलकर आपका बिजनेस आवर बताती हैं। नंबर एक कि वह समय जिसके द्वारा, जिसमें आप जो है हम लोग, हम और आप सभी पब्लिक के साथ काम होता है, और दूसरा जिस आवर में जो है डाक का वितरण और डिस्पैच होता है। अभी भी अभी रिसेंट एग्जाम में आया था, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। सीधा देखिए आपको डिफिनीशन में लिखा हुआ है, द आवर ड्यूरिंग विच बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड विद द पब्लिक, यानी जिस अवधि में पब्लिक के साथ काम किया जाता है, बिजनेस किया जाता है, और जिस अवधि में जो है वितरण, डाक का वितरण और डिस्पैच कॉन्सिपियसली, कॉन्सिपियसली सॉरी कॉन्सपिशियसली नोटिफाइड होता है, यानी जो नोटिफाइड होता है। इसके बाद जो बिजनेस आवर होता है वो लोकल जो हमारी कन्वीनियंस है उसके हिसाब से फिक्स होता है। इसके अलावा जैसे डाक आने का समय, समय जो आने का और जाने का समय हर डाकघर का भिन्न भिन्न होता है, तो उसको ध्यान में रखकर भी फिक्स किया जाता है। ठीक है, और सभी जो वर्क है, जो अंतिम छम अवधि है, उसके बाद जो है काउंटर का वर्क बंद कर दिया, तो फिक्स आवर है। ठीक है, फिर एक देखिए नॉर्मल जो वर्किंग है, एक प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस की बात कर रहा है। प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस नॉर्मली जो होते हैं डायरेक्टर के अंडर में होते हैं, या अगर पोस्ट मास्टर होते हैं तो इनको प्रेसिडेंसी पोस्ट मास्टर से भी कहा जाता है। ठीक है, अगर भी कोई भी जैसे क्वेश्चन आता है कि इंक्वायरी कब करनी है, देखिए इंक्वायरी सेल ऑफ द पोस्ट रजिस्टर में डाक टिकट की बिक्री, स्टेशनरी और ये ग्रांट ऑफ पोस्टिंग बंद हो चुका है, तो ये पूरे वर्किंग आवर में होगा। ठीक है, एंटायर वर्किंग आवर, एंटायर वर्किंग आवर में क्या होगा, एंटायर वर्किंग आवर में होगी पूछताछ, इंक्वायरी और डाक टिकट की बिक्री और डाक सामग्री की बिक्री, ये पूरे वर्किंग आवर में आपकी होगी। ठीक है, रजिस्टर्ड डाक के लिए, इंश्योर्ड डाक के लिए, बीपी डाक के लिए, यानी कि जो आपका एमपीसीएम आप कह लें, जो बुकिंग का काम है, वो 6 से लेकर 7 घंटे, जो आपका डाकघर का वर्किंग आवर है, तो 6 से 7 घंटे का होगा। सैटरडे को जो कह रहा है यूजुअली जो है 5 घंटे का होगा, यानी शनिवार को जो है 5 घंटे का होगा, और प्रयास शनिवार को जो ये काम होगा 5 घंटे का, लेकिन अदर डेज में ये 6 से 7 घंटे का होगा। फिर आप देख लीजिए यहाँ पर जो मनी ऑर्डर का काम है, पोस्टल ऑर्डर पेमेंट का काम है, बचत बैंक का काम है, इसके पेमेंट का काम है, ये आपका 5 घंटे होगा। कितने घंटे होगा नॉर्मल डेज में, 5 घंटे, और शनिवार को ये काम 3 घंटे के लिए होगा। कि ये जब आपका 5 तो ये 3, ये और 6 7 तो ये 5, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, फिर आप आ जाइए कि जो पोस्ट ऑफिस हैं जो जीडीएस के, उसमें तो जीडीएस के अंडर में क्या होते हैं, बीओज, तो बीओज का
नई रिपोर्ट के हिसाब से मिनिमम कार्यकाल जो है, न्यूनतम कार्यावधि जो है वो 4 घंटे की है, और मैक्सिमम जो यहाँ लिखा हुआ ना 5 आवर, ये अभी भी 5 आवर ही है। तो मिनिमम जो कार्यावधि है वो 2 इन्होंने कर दिया है, न्यूनतम 4 घंटे और अधिकतम 5 घंटे की। ठीक है, इसके बाद क्या है, जैसे एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा ना, विंडो डिलीवरी। कह रहा था डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड इन सोड बी आर्टिकल पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर विंडो, कि अगर विंडो डिलीवरी का मामला होता है, ठीक है, तो विंडो डिलीवरी अगर करनी है तो इसकी बुकिंग के लिए, यानी ये जो वस्तुएं हैं इनकी बुकिंग के लिए, तो इनकी बुकिंग के लिए कार्यकाल कहाँ है, ये यहाँ पर देखिए है कि जो इनकी बुकिंग के लिए समय होगा उसी दौरान आपको विंडो डिलीवरी लेनी है। अगर क्वेश्चन आता है विंडो डिलीवरी कब होगी, तो विंडो डिलीवरी यूजुअली आपको अटेंड करना है कि उस डाकघर में उस क्लास के आर्टिकल का जो बुकिंग का समय होता है उसी दौरान आपको विंडो डिलीवरी अटेंड करना। चलिए अगले स्लाइड, अगले चलते हैं, अगले रूल पर, अगले क्लॉज पर। ठीक है, फिर देखिए आगे कह रहा, फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड। ठीक है, फिर जैसे अभी हमने, मैंने आपको बताया था वॉल्यूम 5th में एक बताया था लेट फी, तो जो, ठीक है, कुछ ऑफिस ऐसे हैं कि जहाँ पे एक तय सीमा जो लिमिटेड टाइम पीरियड उसके बाद भी आर्टिकल भेजा जा सकता है लेट फी देने के बाद में, ये मैंने आपको वॉल्यूम 5th में बहुत डिस्कस किया है। ठीक है, और जो लेट फी का रेट है वो कहाँ होता है, अपेंडिक्स में होता है। तो यानी ऐसे डाकघर जहाँ पे एक तय कार्यकाल, या तय कार्यकाल ना कह लें या तय सीमा कह लें, के बाद, यानी जो 6 घंटे 7 घंटे का था, इसके बाद भी आपको समय दे दिया जाए 30 मिनट 35 मिनट का, कि इस बीच भी आप आर्टिकल बुक करा लें और जब तक डिस्पैच बन रहा है तो आपको लेट फीस देनी है जिससे आपका आर्टिकल चला जाए। तो ये भी फैसिलिटीज कुछ ऑफिस में है। ऐसे लेटर्स को लेट लेटर्स कहते हैं, और लेट फीस अगर ना दी जाए तो टू लेटर कहते हैं। लेट लेटर्स फर्स्ट डिस्चार्ज पे जाता है तुरंत, और टू लेट जैसे मैंने आपको वॉल्यूम 5 में बताया था कि रोक करके नेक्स्ट डिस्पैच में आता। अब अगली आपका टॉपिक है कि संडे और पीओ हॉलिडे में कैसे बिजनेस, जैसा मैंने आपको बताया था कि इस दिन कौन सा ऑफिस काम करता है, नाइट पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पहले लिख दिया कि एक्सेप्ट नाइट पोस्ट ऑफिस, कि इनको छोड़ करके जो सभी भी डाकघर हैं, चाहे मोबाइल पोस्ट ऑफिस है, ये संडे को बंद रहते, संडे और डाकघरों को बंद रहते। तो नॉर्मल जो पीओ हैं यानी कि नाइट पीओ को छोड़ करके, इनको छोड़ करके वो संडे और पीओ हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे को क्लोज रहते हैं, और इस दिन कोई बिजनेस नहीं होता। देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, इस दिन क्या होता है, कोई बिजनेस नहीं होता है, फिर लेटर बॉक्स क्लियर नहीं होता है और डिलीवरी नहीं होती है। ठीक है, ये तो बहुत जनरल सी चीज़ है, सबको पता है। ठीक है, छुट्टी के दिनों में भी जैसे क्या होता है कि आरएमएस फंक्शन करता है, और वहाँ पे क्या होता है, आपके लेटर्स की पोस्टिंग की व्यवस्था होती है। अगर आपको इस दिन काम करना है तो आपको आरएमएस जाना है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि जो मशीन फ्रैंक डार्ट की, फ्रैंक डार्ट की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप यहाँ जान लीजिए कि जो मशीन के फ्रैंक डार्ट की, उसको जो एक चाहे किसी भी लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किया सकता, यानी फ्रैंक डार्टकिल को LB में नहीं पोस्ट करना है। ठीक है, अगला देखिए, जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हैं या पैकेट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हैं, ये संडे और पीओ हॉलीडे को जो है एक्सेप्ट होंगे। ठीक है, कहाँ एक्सेप्ट होंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि इनके लिए एक प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस की स्थापना होती है, और बिना किसी लेट फी के होंगे, विदाउट एनी, यानी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की बात करें या रजिस्टर्ड, ठीक है, पैकेट्स की बात करें, तो PSO में क्या है कि बिना किसी विलंब शुल्क के स्वीकार होंगे संडे और हॉलीडे को PSO में, ठीक है, और नाइट पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, दो जगह स्वीकार होंगे, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर कह लें या पैकेट ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, तो ये नाइट पीओज, NPOs कह लीजिए नाइट, और RMS में, और नाइट पीओज। ठीक है, RMS यानी कि RMS में क्या, PSO, RMS में,
और पीएसओ में, तीन जगहों पर, ये संडे और हॉलीडे जो भी होगा आपका, बिना लेट फीस के। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि बिना किसी लेट फीस के जो है स्वीकार होंगे। कह रहा है आरएमएस जो है वो इस टाइम अंतिम आप सेल करता है, पोस्टल स्टेशनरी सेल करता है, ठीक है, आर्टिकल पेमेंट आर्टिकल बुक करता है, ठीक है। फिर संडे वनडे को जो भी ये करेगा वो एक लेट फी लेके करेगा। ये देखिए लिखा हुआ लेट फी ड्यूरिंग स्पेसिफाइड आवर्स ऑन संडे। अगर संडे को कोई ये कर रहा है तो पोस्टिंग के लिए जैसे जो भी कर रहा है तो वो लेट फीस ले सकता है। फिर आप देख लीजिए टेलीग्राफ ऑफिस तो अब यूज में नहीं है तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज कि डाक की जो है प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, नहीं कि डाक शुल्क के जो भुगतान की आवश्यकता क्यों है, तो ये पोस्ट ऑफिस का है कि जैसे कि आप भुगतान कर देंगे तो डाकघर क्या है उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा पेड है कि अनपेड है, ताकि उसकी अर्ली डिलीवरी हो जाए। तो पहला चीज़ ये है, क्वेश्चन यही यही निकल के आता है कि डिजायरेबिलिटी ऑफ पोस्टेज क्या है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के लिए कि जो आपका लेटर है वो फॉरवर्ड हो जाए अर्लियर पॉसिबल मेल से, और एक्सपीडियस जो इसकी बहुत तेज़ी से जो है वितरण हो जाए, क्योंकि जो फुली प्रीपेड आर्टिकल होते हैं वो बहुत जल्दी डिस्पैच, आपके तुरंत उसको कुछ देखना नहीं पड़ता, तुरंत उसको डिस्पैच किया जाता है और ये खुद कहती है कि जल्दी बढ़े। लेकिन अनपेड आर्टिकल हैं जिन पे कम, ठीक है, या हुए पोस्टेज नॉट पेड, यानी अब आपके फिर एक तो होता है फुली पेड जिसमें जो डाक शुल्क है वो पूरा भुगतान किया गया, इसके बाद होता है एक होता है अनपेड जिसमें एक कुछ शुल्क नहीं दिया गया, एक होता है इनसफिशियंटली पेड। एक होता है इनसफिशियंटली पेड, ठीक है। देखिए यहां लिखा हुआ, ठीक है, अगर ऐसे आर्टिकल हैं ये दोनों, इनको तो सिक्योरिटी दी जाती है, जल्दी बांट दिया जाता है, सिक्योरिटी दी जाती है, लेकिन इनको कोई ग्रेटर सिक्योरिटी नहीं मिलती है, ठीक है। तो अनपेड आर्टिकल्स को क्या होता है कि ग्रेटर सिक्योरिटी नहीं मिलती ट्रांसमिशन के दौरान, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये डिटेन भी हो सकता है भाई, ड्यूटी लगाना है तो ये डिटेन, जो अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड आर्टिकल है वो डिटेन होता है। इसके बाद जो उसका तीसरा चीज नुकसान है वो ये है कि कहीं भी अगर कोई स्पेशल डिलीवरी है, विशेष प्रकार का वितरण है, तो ये उसमें इशू नहीं होते हैं। देखिए लिखा है दे आर ऑल्सो नॉट इशूड अलॉन्ग विद द स्पेशल डिलीवरी इंटेंटेड, ठीक है, ठीक है। अनरजिस्टर्ड के लिए नहीं होते, लेकिन अन्य मामलों में देखा जाता है कि इंपॉर्टेंस है तो दिया जाता है। तो ये आपका हो गया डिजायरेबिलिटी ऑफ पोस्टेज प्री पेमेंट ऑफ कि डाक शुल्क का पूर्व भुगतान, जैसा कि हम आर्टिकल बुक कराने आते हैं एमपीसीएम पे तो पहले पैसा देते हैं, तो उसकी आवश्यकता क्यों है। तो इसलिए आवश्यकता है कि हमारा आर्टिकल जल्दी पहुंचे, अगर आप नहीं देंगे तो आपका आर्टिकल डिटेन हो सकता है, सिक्योरिटी कम मिलेगी उसको। अब आते हैं अगला, देखिए आपका क्लॉज 10, ठीक है, पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होगा कि हमको पोस्टेज इज नॉर्मली टू बी इफेक्टेड बाय द मीन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, तो हमें वही पोस्टेज स्टैम्प यूज करना नॉर्मली जो इंडियन भारतीय डाक के द्वारा जारी किए गए हैं भारत सरकार के प्राधिकार के अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि पोस्टल पोस्ट ऑफिस क्या करता है, सर्टेन टाइप की स्टेशनरी भेजता है, जैसे इनवलप है, आईएलसी है या पोस्ट कार्ड है, ठीक है, जिसपे रिक्वायर्ड स्टैम्प इम्बोज होता छपा होता है, जैसे आपका आईएलसी है 2.5 रुपए का, ठीक है, पोस्ट कार्ड 50 पैसे का पीसी, या इनवलप है, ठीक है, एक होता है स्पेशल इनवलप तो एक उस रजिस्ट्री वाला, ठीक है, एक नॉर्मल होता है 5। तो इस पर क्या होता है, टिकट जो होता है वो उभरा हुआ होता है, उभरा छपा होता है, इसी को कहते हैं इम्बोज्ड, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 5 रुपए लगा हमें और उसको 10 की आवश्यकता है तो हम इस पर एडिशनल टिकट लगा सकते हैं। देखिए इस पर लिखा हुआ डिफरेंस कैन बी मेड बाई एडिशनल पोस्टल स्टैम्प ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू। ये सब आपके यूज में है कि भाई जैसे 5 रुपये आपने लिफाफा ले लिया उसमें भी रजिस्टर्ड आर्टिकल, ठीक है, आपके
बुक हो रहे हैं, आप उसको 70 रुपये का आप टिकट लगा सकते हैं। ठीक है, जो डिनोमिनेशन है वो डाक विभाग अपना तय करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। पोस्ट ऑफिस क्या करता है कि रेवेन्यू स्टैम्प सेल करता है, पोस्ट ऑफिस रेवेन्यू स्टैम्प सेल करता है, लेकिन इनका जो यूज है, पेमेंट आप पोस्टेज में नहीं हो सकता, यानी कि रेवेन्यू टिकट लगा करके आप आर्टिकल नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है पोस्टेज का एक तरीका होता है, आप जानते हैं कि फ्रैंकिंग मशीन का स्टैंप इंप्रेशन लगा करके आप भी पोस्टेज का भुगतान कर सकते हैं। जैसे अगर आप डाक टिकट नहीं लगाना चाहते हैं तो आप फ्रैंकिंग का भी सहारा ले सकते हैं। अब देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, फिलैटली ब्यूरो। ठीक है, तो ये क्यों है, क्या है, तो ये स्थापना हुई कैटर टू द नीड ऑफ फिलेटलिस्ट एंड स्टैम्प कलेक्टर्स। ठीक है, तो जो आपके क्या हैं, फिलेटलिस्ट हैं, फिलेटलिस्ट हैं या स्टैम्प कलेक्टर हैं, जो डाक टिकट संग्राहक हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है विभाग ने फिलेटलिक ब्यूरो की स्थापना की है। कहाँ, प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिसेज में। अब ये कहाँ है, देखिए लिखा हुआ इलाहाबाद, अहमदाबाद, बेंगलोर, तमाम जगहों पर है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं याद रखना कि कहाँ पर है, तो इसमें दो तीन चीज़ें याद रखी हैं, रखनी है कि फिलेटलिक ब्यूरो की स्थापना क्यों हुई, फिलेटलिस्ट और स्टैम्प कलेक्टर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए फिलेटलिक ब्यूरो की स्थापना होती है। चलिए, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो विदेश के आर्डर होते हैं, ठीक है, कि जो ओवरसीज, मतलब अगर फिलेटली संबंधी जो है विदेशी आर्डर है, ठीक है, अगर फिलेटली का जो भी आर्डर है वो विदेश से है, यानी कि आपका जो फिलेटलिस्ट है वो विदेशी है या स्टैम्प कलेक्टर विदेशी है, और इसके जो ऑर्डर, ये जो ऑर्डर देगा सप्लाई के लिए टिकट, तो ये ऑर्डर जो एग्जीक्यूट होगा, यानी इसका ऑर्डर जो सप्लाई किया जाएगा वो इंडियन फिलाटलिक ब्यूरो मुंबई जीपीओ, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, मुंबई जीपीओ, इंडियन फिलाटलिक ब्यूरो मुंबई जीपीओ के द्वारा ओवरसीज के ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, ये पेपर में आपके आ चुका है। अब रही बात क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो ऑर्डनरी का भी जो है पैसा जो है कैश में देना चाहते हैं। अभी MPCM पे तो जो बुकिंग होती है वो कैश में होती है, लेकिन अब वो कह रहा है नहीं, मैं ऑर्डनरी भी कैश से भेजूंगा। तो जो सर्टेन इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिस है, कुछ महत्वपूर्ण डाकघर हैं, ठीक है, उनको ऑथराइज करता है कौन, HOC। तो पहला क्वेश्चन ये, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश, यानी डाक शुल्क का जो है पूर्व भुगतान को नगद में जैसे करने के लिए जो है, या ना करने के लिए, मान लीजिए बिल उल रेज करने के लिए, कि बाद में प्री पेमेंट के लिए कौन अधिकृत करता है, तो HOC, HOC माने हेड ऑफ सर्किल। ठीक है, कि जैसे जो बहुत ज़्यादा लार्ज लार्ज नंबर में कर रहे हैं, उनसे डाक शुल्क का भुगतान चाहे पहले ले लिया जाए एडवांस में, और चाहे बाद ले लिया। अब इसके लिए जो परिभाषा है वो ये है कि अगर बिग सिटी है, ठीक है, तो 500 पैकेट। अगर बात करेंगे हम अनरजिस्टर्ड की, तो अगर स्मॉल है, अनरजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड की, साधारण जिसे कहते हैं ऑर्डनरी, तो ये बड़े शहरों में होगा तो 250। ठीक है, फिर देखिए लिखा है कि कुछ ऑफिस ऐसे हैं कि जो HOC ने क्या किए हैं, रियलाइज द पोस्टल अनरजिस्टर्ड कर लिया कैश। ठीक है, जो मैं पहले बता रहा था कि जो प्रीपेमेंट है तो अगर कैश में भी करने के लिए अधिकृत किया गया है, और कुछ जगह पे क्या है कि जो रजिस्ट्री आर्ट के लिए, रजिस्टर्ड आर्ट के लिए, उसको जैसे स्पेशल रजिस्टर्ड जनरल से बुकिंग कर दिया कि वहीं जा करके, देखिए स्पेशल रजिस्टर्ड जनरल के बड़े शहरों में गए, उनके कैंपस में जा करके
बुकिंग कर दी गई कि हम जर्नल ले गए उनके कैंपस में जाके बुक किया गया, कर दिया गया। तो इसके लिए गए हम वहाँ पर और जर्नल से बुक कर दिया गया। तो यानी अगर बात करें हम स्पेशल रजिस्टर्ड जर्नल की, तो आर्टिकल जो है 50 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसकी जानकारी नज़दीकी डाकघर से, ठीक है। फिर अगर आप फैसिलिटी, आप प्री पेमेंट, आप पोस्टेज इन कैश की ये जो सुविधा है, फिर वही चीज़ की गजेटेड और HSGS चूज में उपलब्ध है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि, फिर देखिए यही चीज़ कि जो बड़े बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है उनको 500 से कम अगर आर्टिकल हैं, लेटर्स हैं, तो नहीं होने चाहिए एक बार में, ठीक है। फिर ये कह रहा है ये सुविधा जो है किसके लिए, पैकेट्स के लिए है, अनरजिस्टर्ड के लिए है, इसके अलावा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए है। टोटल देखिए अनरजिस्टर्ड पैकेट के लिए है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पैकेट के लिए है, और रजिस्टर्ड, इसके अलावा ये किसी चीज़ के लिए ये सुविधा नहीं है। अब जैसे आप जानते हैं एक चीज़ और है कैश के लिए, BNPL के लिए भी है, लेकिन अनरजिस्टर्ड में और किसी क्लास के लिए नहीं है। आ गया ये स्पॉइल्ड या डिफेज स्टैम्प, ठीक है, खराब डाक टिकट जो भी होंगे। देखिए कह रहा क्या, जो भी पोस्ट स्टैम्प हैं, चाहे ऑब्लिटर्ड हो गए, कट फट गए, डिफेज हो गए, फट गए हैं, या इम्परफेक्ट हो गए, यूज में नहीं है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसके डिजाइन में कोई गलती हो गई है, या वो मुड़ गए हैं, या कुछ और ये, ठीक है, या वो कहीं से निकाले गए हैं सेपरेट फ्रॉम, ठीक है, उनका इस्तेमाल जो है, जो कटे फटे या बिकृत डाक टिकट कह लीजिए, स्पॉइल्ड या बिकृत डाक टिकट, इनका प्रयोग, या मान लीजिए कि जो लिफाफे से 5 का टिकट है आपने काट लिया, तो देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्वीकृत मान्यता पर इसका जो है पोस्टेज के रूप में ये स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आता है कि ये जो स्पेशल रजिस्ट्रेशन इनवलप है डाकघरों के द्वारा, इनका प्रयोग अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए नहीं किया जाएगा। जो आपका 2,250 रुपये वाला लिफाफा आता है, रजिस्ट्रेशन लिफाफा या पंजीकृत लिफाफा, ठीक है, इसमें जो है आप साधारण आर्टिकल नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जैसे जो डाक टिकट पहले से यूज हो चुके हैं या कहीं से इधर उधर से लाए गए हैं सरकार को लॉस करने के लिए, देखिए तो कह रहा कि जो ये स्टैम्प है ऑलरेडी बीन यूज्ड किसी भी कार्य के लिए, उनका प्रयोग किया जाना दंडनीय अपराध है, IPC के तहत दंडनीय अपराध। जो एक बार प्रयोग हो चुके हैं या कटे फटे हैं या जानबूझ के से जाली छापे हैं, तो ये दंडनीय अपराध है। फिर आगे आप देखेंगे फिक्टिशियस स्टैम्प, ठीक है, काल्पनिक या नकली आप जिसको कह लीजिए, कि मैन्युफैक्चर एंड यूज, कि नकली को फिक्टिशियस स्टैम्प को बनाना और इसका इस्तेमाल करना, ठीक है, यानी फिक्टिशियस स्टैम्प का मैन्युफैक्चर और यूज, ये दोनों दंडनीय अपराध है किसके तहत, IPC के सेक्शंस के अंडर में। अब यहाँ आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो निकल के आई है कि एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 263A, ठीक है, कि फिक्सिसेस स्टैम्प जो है वो IPC की धारा 263A के तहत दंडनीय अपराध है। पर देखिए ये कहता है कि, ठीक है, ये IPC के तहत दंडनीय अपराध है। फिर ये कह रहा है रिप्रोडक्शन ऑफ स्टैम्प इज हाउ एवर अलाउड इलस्ट्रेशन, कि जैसे हम इसकी जो छाप है, प्रचार है, बच्चों के एजुकेशन के लिए हमारी फोटोकॉपी करा रहे हैं, या फिलेटली कोई एक्टिविटी है ये, या किसी जैसे हम जर्नल में छाप रहे हैं, मान लीजिए बच्चों को पढ़ाने के लिए कि ये 5 रुपए का टिकट है, ऐसा होता कोई जर्नल है, ठीक है, तो ये
अपराध नहीं है। जैसे मान लीजिए फिलेटली में आपने बैनर लगा दिया, तो अब टिकट तो आपका मान लीजिए नहीं है, तो आपने उसको छापा रंग बिरंगे पोस्टर्स में या बच्चों की पढ़ाई की किताबों में, तो ये दंडनीय नहीं। लेकिन कहता है कि अगर किसी भी पब्लिकेशन में या इसमें छापा जाए तो ये ब्लैक रंग का होना चाहिए, ठीक है, ओनली इन ब्लैक, कलरफुल नहीं होना, कलरफुल नहीं अलाउड है। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन ऑफ स्टैंप ये अलाउ है, ठीक है। अगर जनरल में छापा जा रहा है तो ओनली इन ब्लैक होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपका आता है, ये ब्लैंक मैंने इसलिए छोड़ा है कि यहाँ आता है फ्रैंकिंग। इसके बाद अगला जो रूल है फ्रैंकिंग मशीन, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बड़ा है। इसको अगर मैं यहाँ इस वीडियो में शामिल करूँगा तो ये वीडियो वैसे ही लंबी हो गई है, काफ़ी और भी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स इसी के साथ जो है हमारा पार्ट वन पीओ गाइड जो है, इसकी पार्ट वन की जो वीडियो फर्स्ट थी वो कंप्लीट होती है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो पार्ट वन जो है कंप्लीट होती है। और यहाँ फिर मैं आपसे वही कहूँगा कि जो शुरुआत में आपने पढ़ा है कि पहला दूसरा रूल 8 तक, ठीक है, यहाँ अच्छा सॉरी, जो पीओ गाइड होता है यहाँ रूल नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं क्लॉज, ठीक है, क्लॉज। तो क्लॉज 8 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि इसका वेटेज आपका 23 क्वेश्चन का दिया गया है। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से आपके 4 से लेके 5 क्वेश्चन जितना मैंने पढ़ाया है, 4 से 5 कहिए, या मान लीजिए आप ये मान के चलिए कि इधर इस पोर्शन से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। और ठीक है, अब इसके बाद मैं आपका दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सेकंड होगा, जिसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, पार्ट सेकंड आएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी और आप लोग इसका लाभ लेंगे। अगर और जो है ताकि समय समय पे मिले, फिर मैं आपको कहूँगा कि बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले डिटेल मिले। ये तो हो गया यूट्यूब पर, इसके अलावा जो है UP SSC अड्डा जो है टेलीग्राम पर भी है। तो सभी लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, टेलीग्राम इंस्टॉल करें और UP SSC अड्डा से जुड़ें, क्योंकि जो मैं वीडियो यहाँ शेयर कर रहा हूँ वो वहाँ भी अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई अगर आपका प्रश्न है तो कमेंट करके हमें बताएं, कुछ भी अगर आपको पूछना है, कुछ भी आपको संदेह है, कुछ भी आपको चाहते हैं कि फिर से कोई वीडियो या कोई टॉपिक अगर आपका क्लियर किया जाए तो आप बताएं। ठीक है मित्रों, देखें आप अगला वीडियो जल्दी ही आपके लिए पोस्ट करूंगा कि सेकंड थर्ड फोर्थ जल्दी ही। धन्यवाद।